तो ये मैं सुबह का चाय बना रही हूँ, मॉर्निंग का चाय। और बस सुबह उठी हूँ, फटाफट से अब काम जो मेरा होता है रोज का वही करूँगी। ये चाय मेरा, मैं चाय पी रही हूँ। और मैं सुबह का काम टोटल आपको एक साथ दिखा रही हूँ, इसी वजह से मतलब फटाफट से करना पड़ता है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर ले रही हूँ। और ये देखिए, ये मैं आलू का भुजिया और पराठा बनेगा, तो मैं आलू का भुजिया कट कर रही हूँ। ये मैं कढ़ाई, मेरा गरम हो गया है, तो सरसों तेल, मतलब सरसों तेल से ही खाना बनता है, तो मैं डाल दी हूँ। और हल्का सा आप अगर भुजिया में क्या बोलते हैं, पीला तोरी यूज़ करें सरसों, मतलब तो अच्छा लगता है। तो हल्का प्याज दी, कच्चा मिर्ची और आलू डाल दूँगी, बहुत टेस्टी बनता है भुजिया इस तरह से। बाकी तो आलू का भुजिया कैसे भी बनाइए, खाने में टेस्ट लगता ही है। इधर मैं पराठा बना रही हूँ, उसके बाद मैं बुलाऊंगी पापा को, मेरे हस्बैंड को, वो लोग नाश्ता कर लेंगे। सो फटाफट से पहले कुछ पराठा बना लूँ। और ये मेरा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं रूम में आ गई, फटाफट से अब क्लीनिंग का काम करूंगी। बेड मेरा बन गया है, मतलब बिछावन मैंने कर लिया अच्छे से, और झाड़ू साफी जो है काम, ये सब फटाफट से कर लूं। पूजा, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बस अब क्या बोलिए, वायरस तो हर जगह ही है, मतलब अब यहाँ भी आ गया, मतलब यहाँ
मतलब एकदम पास केलावाड़ी के पास आ गया, भी गार्डन में भी आ चुका है। सो कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को अच्छे से घर पे सेफ रखना है, अच्छे से रहना है और क्लीन रहना है, यही बोल सकते हैं। तो परी सो रही है जिस वजह से मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, और सुबह का रूटीन आप लोग के साथ में शेयर की, या फिर देखिए क्या क्या की हूँ मैं सुबह से, काम किया बहुत सारा काम, उसके बाद अभी नहाई हूँ, नहा के आई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ, और अभी देखा देखते हुए साथ में सिंदूर भी लगाने लगाऊंगी, और हेयर वॉश किया मैंने, शैम्पू किया है, तो हेयर ड्राई करेंगे, हेयर किया हेयर ड्राई, उसके लिए बाहर जाएंगे। और आप भी बताइए आप कैसे हैं, और जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देखते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आप लोगों को मेरी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और प्लीज़ हो सके तो मेरे वीडियो के लिंक्स को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तो मुझे उससे हेल्प होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो देखना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये तो कभी बोलती नहीं हूँ, सो आज सोचा थोड़ा अच्छे से बोल दूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलती मोस्टली कि कमेंट करिए या फिर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बट कभी कभी बोलना भी होता है, बोलने से लोग समझते हैं वरना नहीं समझते। तो चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ा सिंदूर उंदूर लगा लेते हैं, तब बाहर निकलती हूँ और बाहर जाके हेयर ड्राई करूँगी, ठीक है। चलिए बाहर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बोला बोली करूँगी, मेरी बात सो रही है, आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। हेडफोन लगा के बोलने से क्या होता है, साउंड क्लियर जाता है, नहीं तो साउंड मुझे भी पता है कि क्लियर नहीं जाता, बट हमेशा हेडफोन नहीं यूज़ करती मैं। मेरी बात सो रही है, उठती है तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और तो अंगना में जो खेल रही थी जब मैं काम कर रही थी तब तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही। सो चलिए बाहर चलते हैं, नहीं तो फिर खाना खाने का टाइम हो ही गया है, होगा क्या, देखिए आप लोग कितना बज रहा है, देख रहे हैं 2:10 हो गया है, बट अभी हम लोग खाना नहीं खाएंगे, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी थोड़ा बाहर काम कर रहे हैं, चलिए चलते हैं देखते हैं क्या काम कर रहे हैं।
इसको थोड़ा इधर दे देती हूँ, सूखेगा। आज का वेदर देख रहे हैं, मतलब सुबह इतना क्लाउडी था, क्लाउडी क्या था, बारिश ही हुआ था, सुबह इतना बारिश हुआ था और पूरा वेदर क्लाउडी क्लाउडी किया हुआ था। एंड अभी देखिए कितना, इतना कड़ा धूप है कि पूछिए मत, मतलब अगर मैं 10 मिनट काफी है, मेरा हेयर पूरा ड्राई हो जाएगा, इतना ज्यादा धूप है। हम लोग कुछ बिहार से आए थे गाड़ी में बैठ के, उसके बाद गाड़ी में बैठे ही नहीं है क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन बढ़े जा रहा है और हम लोग जा ही नहीं पा रहे, क्या करेंगे बताइए, इसीलिए कुछ बिहार नहीं जा पा रहे हैं यहीं पे। देखिए मेरे हस्बैंड नहाए वहाए नहीं है, एकदम गंदे गंदे से नहाएंगे, अभी नहाए नहीं है, नहाएंगे तब हम लोग खाना खाएंगे, साथ में खाते हैं हम लोग सब कोई, इसीलिए चलिए बैठते थोड़ा सा, थोड़ा बाहर बैठी हूँ। बाबू पुलिस, पुलिस उधर गया, हाँ पुलिस गया बाइक में बैठ के, अरे पुलिस है, नहीं पुलिस अब यूनिफॉर्म पूरा सर क्या, देखिए यहाँ पे चल रहा है काम, यहाँ चल रहा है काम काम, बोलो क्या करें बताइए। तो बहुत दिन तक तो कार गैरेज में रह रहा था, मतलब टीकारण का गैरेज में, बट तो वहाँ पे बहुत सारा अनाज आया ना सबको बांटने उठने के लिए, तो वो अनाज पूरा वहाँ पर रखा गया स्टॉक, तो बाप ले बाप, कहाँ गए तुम, पापा की छत बेटा हाथ पकड़ के आ रही हो, कहाँ जाओगी, हाँ मोबाइल बेटा, हाँ बेटा बेटा चलो चलो उधर से गाना गा रही हो, वाह क्या कर रहे बेटा, गंदी बात छोड़ो इसका छोड़ो, अच्छा अच्छा गंदा था। लेकिन अरे घूम रही है पापा के साथ, छोड़ नहीं सकते ना, यहाँ भी अब कोरोना वायरस का पेशेंट है, डर लगता है छोड़ने में, इसीलिए घर के बाहर थोड़ा घुमा देते हैं हम लोग, लेके चले जाते हैं अंदर। गंदा था, मोबाइल दे देंगे मम्मी, मम्मा दीजिए मोबाइल, हाँ बेटा बेटा
बेटा फ्लैंक किस दो नेक्स्ट टू मम्मा को, अच्छे अच्छे दे दो तो, अच्छे दो फ्लैंक किस, फ्लैंक किस। बुला रही हो तुम तो, वैसे तो बुलाते हैं किसी तो किसी ना। अरे अच्छे अच्छे नहीं दोगे, मूड नहीं है। चलो बेटा चलिए अंदर चलते हैं खाना खाने, लगता है पापा लोग नहा चुके हैं, तो अंदर चलते हैं। दुकान के बाहर बैठी हूँ आकर, मुड़ी मक्खा और चाय। पूरा अंधेरा, लाइट फोकस नहीं कर रहा, सॉरी। बस ये ब्लॉग मैं यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। रात हो गया, जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे नेट लग चुका है, तो अब हम लोग सोएंगे। तो बस आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।